नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। बोधगया थाना क्षेत्र में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। यह घटना जब से बोधगया के नए थानेदार अमितेश कुमार बने हैं उसके बाद से अपराधियों को यह ग्राफ बढ़ा है, अपराध में जो ग्राफ बढ़ा उस पर लगाम नहीं लग रही है। मोटरसाइकिल चोरी की लूट, दिन दहाड़े ट्रैक्टर चोरी की लूट, घर की लूट, दिन में जमीन कब्जा करने का मामला, अनगिनत ऐसी घटनाएं घट रही कि केस तो हो रहे हैं लेकिन किसी अपराधियों का गिरफ्तार नहीं की जा रही है। क्योंकि शराब माफियाओं का और बालू माफियाओं का तो होना एक आम बात हो गई है, लेकिन आज की अभी की एक ताज़ा घटना घटी है कि दिन में अपराधी एक व्यक्ति को गोली मारने के लिए पहुंच गई, उसके बावजूद भी थानेदार को सूचना कई बार पीड़िता ने दिया लेकिन पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची है। यह घटना बोधगया थाना क्षेत्र के धनामा की है और धनामा की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, जबकि धनामा के बगल में ही BMP का कैंप भी है। और यह कैंप इसलिए बनाया गया था कि अपराधियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए बचा जाए, लेकिन वर्तमान दौर के जो हालात है बोधगया थाना क्षेत्र में एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। आज से 3 दिन पूर्व में दिन दहाड़े जमीन कब्जा करने के लेकर के 2 गुटों में जमकर मारापीट हुआ, धमकी दी गई, लोगों ने हथियार लहराया, लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं। लगातार ये कहें कि हर रोज़ एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, लेकिन थानेदार मितेश कुमार न जाने कहाँ रहते हैं, जबकि पीड़िता परिवार ये आस लगाए हैं कि अपराधी घर में घुस करके गोली मार देगी, उसके बाद क्या सिर्फ पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस आएगी। क्योंकि दिन में 2 बार एक ही अपराधी दिन में जब पहली बार लगभग 4 बजे के आसपास घर में पहुंचा, उस समय पीड़िता ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर वो पब्लिक के पास वायरल किया, जिला के अन्य अधिकारियों के पास देकर सूचना दिया कि मेरे घर में 2 दीपक कुमार और व्यक्ति का नाम वो बताया कि जिसके द्वारा हमें गोली मारने के लिए पहुंचा है घर में, लेकिन पुलिस की जब जानकारी दी गई तो वो शायद समय पर नहीं पहुंची। उसके बाद दोबारा गांव वाले जब समझा बुझा कर चले गए तो दोबारा उस पीड़िता परिवार के घर पर पहुंच गया, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी सवाल उठ रही है। धनामा का जो अपराधी है ये लगातार बड़ी घटनाओं का अंजाम देते रहा है और ये 7 अपराधी है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और पीड़िता परिवार पूरा दहशत में जी रहा है, घरों में बंद है। ये सुशासन की सरकार है और बोधगया के थानेदार और गया जिला के बड़ी अधिकारी बेखबर है। मैं गया बोधगया से राजेश कुमार।